नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। निंदा ना करने का संकल्प कर मनाया ब्राह्मण समाज ने होली मिलन। जी हां, गंज बासौदा शहर में दोपहर में स्थानीय हितकारिणी धर्मशाला में ब्राह्मण समाज ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम की पूजा कर संकल्प लिया कि वह आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे एवं परस्पर निंदा नहीं करेंगे। सभी ने एक दूसरे को खूब रंग गुलाल लगाया, साथ ही भजनों पर जमकर नृत्य किया। नगर में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था अन्नपूर्णा सेवा समिति एवं व्यापार महासंघ में नव निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन तिवारी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत राष्ट्र गौरव से सम्मानित राष्ट्रीय कथावाचक पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने बताया कि होली भक्ति का त्यौहार है। होली पर ही भक्त प्रह्लाद ने बुराई पर विजय पाई थी। साथ ही कहा कि ब्राह्मण समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्य सभी समाजों को प्रेम एवं सम्मान दें, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में सौहार्द की वृद्धि हो। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सभी इस बहाने मिलते हैं और जैसा कि इस पर्व का हर्षोल्लास इसका उद्देश्य है, उसी हिसाब से सभी ब्राह्मण परिवारों में ऐसा ही हर्षोल्लास बना रहा है, जो कि आज देखने को भी मिला। सबने बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाया और सभी ब्राह्मण एक साथ हैं। ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रखा गया था। इस उत्सव में, इस कार्यक्रम में हम चूंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का अग्रणी स्थान है और ब्राह्मणों द्वारा ये संदेश प्रतिवर्ष भी दिया जाता है और इस वर्ष भी दिया गया है, हम सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करें, समरसता रखें, मिलजुल कर काम करें, द्वेष की भावना को त्यागें, प्रेम आपस में बना रहे सभी वर्गों में, यही ब्राह्मण समाज का संदेश है।